नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में नए लोगों ने शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आप इच्छा रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें भी निवेश करना है, हमें भी इन्वेस्ट करना है, हमें भी स्टॉक खरीदना है, हमें भी बेचना है, हमें भी मुनाफा कमाना है, तो कैसे शुरुआत करें? क्योंकि सबसे बेस्ट बात, सबसे अच्छी बात मार्केट की ये है कि यहाँ पर आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में या कहीं और किधर इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपको लाखों की ज़रूरत होती है। पर मार्केट एक ऐसा बेस्ट जरिया है इन्वेस्टमेंट का आज के ज़माने में, जहाँ पर कि आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। 5,000, 500, 1,000 रुपये से भी आप निवेश कर सकते हैं, तो हर कोई मार्केट में आ सकता है। दूसरी ऐसी बात है कि यहाँ पर कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, या आप कहाँ पर जॉब करते हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आपको फिर भी आप मार्केट में आ सकते हो। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर कोई बात को, अगर मीन्स अगर कोई रेस को जीतना है, अगर कोई बात को शुरुआत करनी है, कहीं एंड तक पहुंचना है, तो आपको वहाँ से निकलना होगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको इंटरेस्ट रखते हो, आपको सच में आना चाहते हो, तो आपको कहीं से, कहीं ना कहीं से पहली स्टेप जो है वो चढ़नी पड़ेगी। मीन्स आपको रेस में पार्टिसिपेट एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो आपको निवेश कैसे करें, मीन्स कहाँ से शुरुआत करें? तो पहले तो आप आसपास के आपके जो भी इंडिया में अवेलेबल ब्रोकर्स हैं वो पता कीजिए। कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल है, तो ऐसे बहुत से आपको डिस्काउंट ब्रोकर मिल जाएंगे जहाँ पर आप आपका डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आने के लिए आपको कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ स्टॉक वगैरह कुछ खरीदना हो, तो आपको पहले डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी मीन्स आप अगर कोई रिलायंस के शेयर कुछ बाय करते हो, तो आपके रिलायंस के शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेंगे आपको कि आपने इतने इतने अकाउंट आपके रिलायंस के आपने इतने इतने शेयर खरीदे, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो दिखाई देगा आपको, और आपके पास वो आप जितने टाइम तक रख सकते हो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे, तो आप वहाँ से ही बाइंग सेलिंग जो है वो कर पाओगे। तो इसलिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट आप खुलवा लीजिए पहले। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स आपको क्या क्या बातों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मीन्स जैसे कि आपको 6 मंथ्स का बैंकिंग का आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए पहले तो बैंक में। वो बैंक का आपको 6 महीने का जो स्टेटमेंट लगेगा, मीन्स ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, जिसमें कि आपका कोई ट्रांजैक्शन हो ना हो, बस आपको एक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक, उसके बाद एक पैन कार्ड लगेगा। बस ये डॉक्यूमेंट लगेगा जिसके कारण जो है आप वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने अब पहली स्टेप तो उठा ली कि आपने डीमैट अकाउंट शुरुआत कर ली और डीमैट अकाउंट आपका खोल लिया। कुछ उसके बाद क्या करना चाहिए? तो आप छोटे से छोटे अमाउंट से चालू कीजिए, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे से छोटे अमाउंट से चालू किया जा सकता है। तो आप 5,000 या 1,000 रुपये से चालू कीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में सीखने को मिल जाएगा और आपकी रिस्क भी मिनिमम रहेगी। मीन्स आपको नुकसान भी होता है अगर स्टार्टिंग में, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आपको समझने में थोड़ा 1-2 महीना या 10-15 दिन भी लग सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या होता है, कैसे प्रॉफिट होता है। या आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सीखने को मिल जाएगा कुछ दिनों में, और आपको ज़्यादा लॉस नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक जुआ है मार्केट, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इसमें कुछ समझ के इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो पहले स्टॉक कौन से पिक करें, हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या लेना चाहिए। आज अकाउंट खोल लिया तो क्या खरीदना चाहिए? तो आपके आजू बाजू देखिए, आपके आजू बाजू जो आपको दिखाई देता है, कुछ कंपनी दिखाई देती है, डाबर जैसी दिखाई देती है, टाटा मोटर्स, कोलगेट जैसे कुछ कंपनियाँ दिखाई देती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाई देती है, कुछ टायर के MRF टायर दिखाई देता है। तो ऐसे जो भी कंपनियाँ आप आसपास देखते हैं, SBI जैसे बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, तो इनके शेयर्स में आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शुरुआत कीजिए, पहले 1,000-1,000 रुपये की कुछ स्टॉक लीजिए, कुछ दिन रुकिए। आप अगर आपने अगर 100 रुपये का अगर कोई स्टॉक खरीदा है तो वो 105 रुपये में अगर जाता है तो आपको 5 रुपये का मुनाफा होता है। ऐसे ही ये मार्केट में काम चलता है। तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। आप आज ही शुरुआत कीजिए। आपको अकाउंट नहीं खोलते आता होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे खोलते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाइए और आपके पहले स्टॉक खरीदिए। आपने आज अगर कोई स्टॉक खरीदे तो आपको हो सकता है कल जैसे ही दूसरा दिन खुले या उसी दिन आपको प्रॉफिट हो जाए। तो आपको प्रॉफिट जब होता है तो आपको अंदर से खुशी होगी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है,
पर आपको वो सिचुएशन में हम्बल रहना है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक जैसा हर सिचुएशन में नहीं रहता है। अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको लॉस क्यों हुआ, हमने ये क्यों क्यों ये मीन्स लॉस हमने जो शेयर किया उसमें लॉस क्यों हुआ, तो ये मार्केट का नियम है, तो आपको उसमें निराश भी नहीं होना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको लॉस होता है तो आपको सीखना होगा कि लॉस क्यों हुआ, उसके बाद अगर आपको मुनाफा होता है तो हम्बल रहना है, और धीरे 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 आप जैसे जैसे इसमें निवेश करते जाएंगे, रोज नए स्टॉक लेते जाएंगे, आपको कुछ नई बातें मालूम पड़ती जाएगी। तो आप इनिशियल लेवल पे नए लोग ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर शुरुआत कर की जाए और अगर शुरू करते तो आपको धीरे धीरे, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको धीरे धीरे सब बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते। उसके बाद अगर आपको कुछ दिनों बाद 6 महीने 5 महीने आप एक्सपीरियंस लीजिए, आपको अगर प्रॉफिट होता है कंटिन्यूअसली तो बहुत अच्छी बात है, बट एक रियलिटी है मार्केट की कि यहाँ पर रेगुलर प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट नहीं होता है। उसके लिए आपको अगर होता भी हो तो आपको उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा, बेसिक एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जैसे हर कोई फील्ड के लिए हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं, जैसे इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पेंटर बनता है, कारपेंटर बनता है, कोई पायलट बनता है, तो एक बेसिक सादा यूट्यूबर बनने के लिए भी एक सादा कोर्स होता है। तो वो अगर कोर्स करते तो प्रॉपर आप प्रॉपर वे से हैंडल कर सकते बात। तो आपको अगर सच में मार्केट में निवेश करना है तो आपको छोटी सी छोटी बातें, पहले ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब बातें सोच समझनी पड़ेगी। अगर ये आप थोड़ी थोड़ी बातें सीख लेते तो आपको जो है वो धीरे धीरे मार्केट समझ में आ जाएगा और आपको प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा। तो यही सब था कि अगर नए लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले बेसिक बातें, यानी आपको डीमैट अकाउंट लगेगा, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप कुछ छोटे अमाउंट से 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 से इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, कुछ शेयर खरीदे, जो जिसका नाम सुना होगा वही खरीदिए, जो कंपनी को आप जानते उसका कोई शेयर खरीदिए, आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा, प्रॉफिट हुआ तो बेचिए, नहीं हुआ तो होल्ड कीजिए, लॉस हुआ तो घबराइए नहीं, प्रॉफिट हुआ तो हम्बलनेस रखिए, क्योंकि मार्केट आपको कल लॉस भी दे सकता है। तो धीरे धीरे आपको जैसे बातें पता चलेगी, इसमें कैसे नुकसान होता है, नुकसान क्यों होता है, प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट होता है, हमने कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए, यही सब बातें यहाँ पर सीखने लायक होती है। तो शुरुआत करने के लिए हर दिन अच्छा होता है, आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।